हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आमोद है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे शोल्डर पेन के बारे में। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि सितंबर का महीना जो है वो पेन अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। उसका मेन पर्पस ये है कि पेन कंडीशंस और उनकी ट्रीटमेंट और उनकी ट्रीटमेंट की जो ऑप्शंस हैं और इनकी ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, इस पे हम थोड़ी चर्चा करें और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं। सो शोल्डर पेन की अगर हम बात करें तो कंधे का दर्द जो है वो या तो एक पूरे सिस्टमिक यानी कि पूरे शरीर की बीमारी का पार्ट हो सकता है या खाली कंधे की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि अगर मैं पूरे शरीर की बीमारी की बात करूँ तो जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, उसमें खाली जोड़ नहीं इन्वॉल्व होते हैं, शरीर के और सिस्टम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लंग्स में फ़र्क पड़ता है, वैसे और जोड़ों में भी फ़र्क पड़ता है। तो हो सकता है जो कंधे का दर्द है ये पूरे शरीर की ऐसी एक बीमारी का पार्ट हो, या ये हो सकता है कि ये कंधे का दर्द जो है वो खाली कंधे से उठ रहा हो। ठीक है, तो अब जो कंधे का दर्द है वो बहुत कारणों से आ सकता है। ये दर्द कंधे की हड्डियों से आ सकता है, ये दर्द मसल्स यानी कि मांसपेशियों से आ सकता है। ये जो मांसपेशियां होती हैं जब वो हड्डी से जुड़ती हैं तो वो एक टेंडन बन जाती हैं पहले उससे और फिर हड्डी से जुड़ती हैं, तो ये प्रॉब्लम टेंडन्स की वजह से आ सकता है। जब बहुत सारे टेंडन्स एक पास में होते हैं तो कभी उनमें फ्रिक्शन ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए बर्सा होते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो कंधे का दर्द है वो बर्सा की वजह से आ सकता है। कभी कभी नसों की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, और ऐसे ही कभी कभी अगर गर्दन में दर्द हो तो उसका दर्द भी कंधे में महसूस होता है, क्योंकि जो कंधे की सारी नसें हैं जो उसको सप्लाई करती हैं वो एक्चुअली आती तो गर्दन से ही हैं। सो इसलिए बहुत सारी कंडीशंस की वजह से कंधे का दर्द हो सकता है। और अगर हम बात करें फ्रोजन शोल्डर की, तो ये मेरे पास जो क्लिनिक में पेशेंट आते हैं उनमें से बहुत सारों को ये लगता है कि उन्हें फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन ये फ्रोजन शोल्डर उतना ज़्यादा कॉमन है नहीं। आम भाषा में कोई भी कंधे के दर्द को लोग फ्रोजन शोल्डर बोल देते हैं, और ये जो मैंने देखा है, अगर मेरे पास मान लीजिए 10 मरीज आते हैं तो उनमें से 6 में ये डायग्नोसिस नहीं होता है और परेशानी कुछ और होती है, हाँ लेकिन 4 में फ्रोजन शोल्डर होता है। तो अब हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर है क्या? फ्रोजन शोल्डर एक कंडीशन है जिसमें कंधे में मूवमेंट में परेशानी आती है और वो मूवमेंट हर डायरेक्शन में कम हो जाती है। उसके अलावा कंधे में दर्द आता है और बहुत सारी स्टिफनेस आती है। अब जब मूवमेंट में परेशानी आती है तो जब हम बाजू को ऊपर की तरफ या आगे की तरफ लेके जाएं इसमें प्रॉब्लम आती है, और पीछे की तरफ लेके जाएं तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। खास करके औरतों को अगर कपड़े बदलने में अगर हाथ को ऐसे पीछे की तरफ ले जाना हो तो उसमें काफ़ी परेशानी आती है। ऐसे ही आदमियों को अगर पीछे वाली पॉकेट से अपना पर्स निकालना हो या ऐसा कुछ करना हो तो इसमें भी काफ़ी परेशानी आती है। तो इस कंडीशन में फ्रोजन शोल्डर में कंधे की मूवमेंट में प्रॉब्लम है, उसमें दर्द है और स्टिफनेस आती है। ये तीन मोटी मोटी प्रॉब्लम है। अब कंधे की प्रॉब्लम्स के बारे में जानने से पहले आई थिंक हमें कंधे के जोड़ के बारे में थोड़ी सी समझ होनी ज़रूरी है। तो कंधे का जो जोड़ है वो तीन हड्डियों से मिल करके बनता है। आगे से यहाँ से कॉलर बोन आती है, ठीक है, और यहाँ बाजू की हड्डी आती है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, और पीछे से एक हड्डी आती है जिसे हम स्कैपुला कहते हैं। तो ये तीनों हड्डियाँ मिल करके दो जोड़ बनाती हैं यहाँ पे, एक ऊपर यहाँ पे जिसे हम एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट कहते हैं, और एक बाजू और पीछे वाली हड्डी के बीच में जो प्रॉपर शोल्डर का जॉइंट है। अब इस जो बाजू की जो हड्डी है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे वो गोल आकार में होता है और वो काफ़ी बड़ा होता है, और जो पीछे से हड्डी आती है जिसे हम स्कैपुला बोल रहे थे उसका जो जॉइंट का पार्ट है वो बहुत छोटा होता है। तो इसकी वजह से जो जॉइंट में काफ़ी साइज़ में वेरिएबिलिटी या डिस्क्रिपेंसी है। तो अब इस जॉइंट और इसी की वजह से हमारा कंधा इतना मूव कर सकता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हम इसको पूरा ऐसे अच्छे से पूरा घुमा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे बहुत कम जोड़ हैं जो इतना ज़्यादा मूवमेंट हमें अलाउ करते हैं। और इसको अपनी जगह में स्टेबल रखने के लिए उसके चारों तरफ मसल्स होती हैं, और इन मसल्स को हम कहते हैं रोटेटर कफ। यानी कि इन मसल्स का काम है ये जो जॉइंट है जो एक बड़ी हड्डी और एक छोटी हड्डी के बीच में बन रहा है उसको स्टेबल रखना, उसको अपनी जगह पे रखना, और इसकी यूनिक बनावट होने की वजह से हम इसको इतनी मूवमेंट दे सकते हैं। तो ये कंधे की खास बात है।
और अब बात करते हैं कि इसमें फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है। तो फ्रोजन शोल्डर एक्चुअली उसमें कारण क्या है ये हमें अच्छे से नहीं पता है, हालांकि ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन में जो जोड़ का कैप्सूल है, कैप्सूल एक समझ लीजिए एक कवरिंग है जो हड्डियों के आसपास है ऊपर, जो अपनी जो हड्डियों को पूरा कवर करती है, तो वो जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है। और जब वो कैप्सूल टाइट हो जाता है तो जो जोड़ के अंदर जो पानी होता है थोड़ा सा वो कम हो जाता है। उसके अलावा कैप्सूल टाइट होने की वजह से जो हड्डियों की जो मूवमेंट की जो जगह है वो कम हो जाती है। और जब ये मूवमेंट की जगह कम होती है तो जब भी हम बाजू को हिलाते हैं तो दर्द आता है, और जब दर्द आता है तो हम उसको कम हिलाते हैं, और जब हम कम हिलाते हैं तो उसकी वजह से फिर ये और टाइट होता जाता है। तो धीरे धीरे जो कैप्सूल है ये हड्डियों पे चिपकने लगता है और उसकी वजह से ये मूवमेंट दिन ब दिन कम होती जाती है। अब ये जैसे मैंने बताया कि ये होता क्यों है ये तो हमें अच्छे से नहीं पता है इसका कारण, लेकिन अगर ये मूवमेंट कम होती रहे तो धीरे धीरे करके मसल्स जो हैं आसपास की मांसपेशियां जो हैं वो भी कमज़ोर होने लगती हैं। तो ऑल इन ऑल ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, मतलब कि मूवमेंट कम हो रहा है, हम उसको हिला नहीं रहे हैं, हिलाने से क्योंकि दर्द होता है और उसकी वजह से मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं और वो भी एक दर्द का कारण बन जाती हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये कैप्सूल टाइट क्यों हो जाता है ये हमें नहीं पता है, लेकिन जो देखा गया है कि डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है उनका रिस्क 5 गुना ज़्यादा होता है ये कंडीशन होने के लिए। उसके अलावा जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है फ्रोजन शोल्डर की। उसके अलावा अगर किसी वजह से कंधा इमोबिलाइज हो जाए, यानी कि उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, जैसे मान लीजिए अगर किसी को स्ट्रोक हुआ या कोई फ्रैक्चर हो गया और उसकी वजह से उनकी कंधे को ऐसे इमोबिलाइज कर दिया गया है या वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों में ये कंडीशन ज़्यादा होती है। और उसके अलावा जैसे किसी को अगर पार्किंसोनिज्म है, ऐसी कोई बीमारी है, तो उनमें भी ये कंडीशन ज़्यादा होती है। तो जो समझने वाली इसमें बात यह है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका रिस्क काफ़ी है ये एक प्रॉब्लम होने का। और दूसरी बात यह है कि ये औरतों में यानी कि विमेन में जो 40 से 60 साल की बीच में जो महिलाएं हैं उनमें ये कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है। तो जब कोई पेशेंट इस परेशानी को लेकर के क्लिनिक में आता है और हम उसका डायग्नोसिस बनाना चाहते हैं तो डायग्नोसिस के लिए ज़्यादा हमें चीज़ें ज़रूरत नहीं होती है। अगर कंधे की मूवमेंट हर डायरेक्शन में लिमिटेड है, कोई चोट नहीं लगी है, कोई और कारण नहीं है, और जो दर्द होता है इसका वो काफ़ी डीप दर्द होता है, यानी कि कोई ऐसी एक जगह पर ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, कंधे के अंदर डीप में दर्द फील होता है। और शुरू में जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो हो सकता है कि खाली बाजू हिलाने पे या उस कंधे पे लेटने पे दर्द आए, लेकिन जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो दर्द हर समय रहने लगता है और मूवमेंट से हाँ वो बढ़ता ज़रूर है। तो अगर ये हिस्ट्री और सिम्टम्स हमें मिलते हैं तो इसके बेसिस पे ही डायग्नोसिस बनाया जा सकता है कि ये फ्रोजन शोल्डर है। लेकिन अगर कभी डाउट हो तो इसके लिए हम एक्सरे भी करा के देखते हैं कि कंधे में आर्थराइटिस तो नहीं है। मान लीजिए कोई कंधा मूव कर रहा है और कटक 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 उसको आवाज़ आ रही है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आर्थराइटिस की वजह से ऐसा हो रहा हो, तो उस केस में हम एक्सरे करा के देखना चाहेंगे। कभी कभी हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि रोटेटर कफ यानी कि जो मसल्स थी जो कंधे को अपनी जगह पे रखी हुई हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जो मसल्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो उसके लिए जो बरसा होते हैं उनकी कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है ये एक बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिगेशन है, और ये अगर आपके डॉक्टर स्किल्ड हैं तो वो अपने क्लिनिक में भी कर सकते हैं, जैसे मैं अपने क्लिनिक में ये बहुत बार करता हूँ मरीजों के लिए। अगर उससे चीज़ें क्लियर नहीं होती है या ये शक रहता है कि कहीं ये दर्द गर्दन से तो नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम पेशेंट को MRI के लिए भी भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ों जो है हमारी डायग्नोसिस में मदद करती हैं, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो MRI हो, लेकिन डायग्नोसिस खाली हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से भी बनाया जा सकता है। तो एक बार डायग्नोसिस बन गया तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि इसको ठीक करने के लिए किया क्या जा सकता है। तो ये कंडीशन अपने आप भी रिकवर हो सकती है, लेकिन हाँ इस कंडीशन को ठीक होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। बहुत लंबा समय बोले तो 2-3 साल भी लग सकते हैं। और अगर ये आपके डोमिनेंट हाथ को यानी कि जो मेन हाथ जिससे आप काम करते हैं उसको अफेक्ट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मूवमेंट नहीं होगा,
बहुत सारे मरीजों को कंघी करने में प्रॉब्लम होता है, बाल धोने में प्रॉब्लम होता है, कपड़े बदलने में, हाथ पीछे ले जाने में प्रॉब्लम होता है, तो एक ज़िंदगी एक तरीके से रुक सी जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसका समय रहते हुए और जब ये प्रॉब्लम शुरू हो या जब ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही हो उसी समय हम जितना इलाज अच्छे से इसको अग्रेसिवली मैनेज कर पाएँ तो वो अच्छा रहता है। इसको अब मैनेजमेंट में, इसकी ट्रीटमेंट में हम करते क्या हैं? तो इसकी ट्रीटमेंट के दो एम हैं। नंबर पहला हमारा जो एम है वो ये है कि इसका दर्द कम करें। दूसरा हमारा जो एम है वो ये है कि जो कंधे की मूवमेंट है उसको हम वापस लाएं। तो ये दोनों एम एक साथ मिल करके, जैसे जैसे मूवमेंट ज़्यादा अच्छी होगी दर्द भी कम होगा, और दर्द कम होगा तो मूवमेंट ज़्यादा अच्छी होगी, तो ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए फिजियोथेरेपी तो कोई डाउट ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम कुछ भी करें फिजियोथेरेपी तो साथ में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से मूवमेंट में लॉन्ग टर्म में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इसके लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं कि दर्द कम हो। कई लोगों को माइल्ड दवाइयों से आराम आ जाता है, कई लोगों को स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देनी पड़ती है। दवाइयों के साथ साथ हम फिजियोथेरेपी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फिर हम इंजेक्शंस का बहुत इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो इंजेक्शंस जो इसके लिए किए जाते हैं वो बेहतर रहता है कि अल्ट्रासाउंड से देख करके किए जाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बिना अल्ट्रासाउंड से देखे हड्डियों को फील करके सिर्फ उससे इंजेक्शन लगा देते हैं। ये मेरा प्रेफर्ड अप्रोच नहीं है, क्योंकि जब मैं ये इंजेक्शन लगाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो सही जगह पे जाए, और ताकि अगर उसका असर आए या ना आए एटलीस्ट हमें ये पता चले कि वो इंजेक्शन सही जगह पे गया था या नहीं गया था। और बहुत बार जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपका प्लान जो है, जो आप इंजेक्शन करना चाहते हैं, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि या तो आपको प्रॉब्लम कुछ और दिखाई देती है या आपको प्रॉब्लम जो है उसकी ट्रीटमेंट में फ़र्क आ जाता है कि अगर वहाँ पे मान लीजिए कैल्शियम डिपॉजिट है तो ट्रीटमेंट फिर अलग हो जाती है। तो इसलिए अगर वहाँ पे मसल टेयर है तो ट्रीटमेंट थोड़ी अलग हो जाती है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड से देख करके इंजेक्शन करना ज़रूरी है पहली चीज़। अब जो इंजेक्शन हम करते हैं उसमें हम स्टेरॉयड इंजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि कंधे के जोड़ के अंदर देखते हुए हम दवाई, थोड़ा सा सुन करने की दवाई और थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई डालते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, दर्द कम हो और मूवमेंट ज़्यादा बेहतर हो। तो हमने पहले बात किया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉयड इंजेक्शन। दूसरा चीज़ जो हम करते हैं हाइड्रोडिस्टेंशन, मतलब कि हम जो कैप्सूल जो टाइट हो गया था उसके अंदर वहाँ पे तक सुई डाल करके उसके अंदर पानी डाल के उस कैप्सूल को जो टाइट है थोड़ा सा फैलाने की, यानी कि उसको थोड़ा सा लूज करने की कोशिश करते हैं। यही काम बहुत लोग सर्जरी करके भी करते हैं, जिसमें कि वो आपको बेहोश करके आपकी बाजू को एकदम से हिलाएंगे जोर से ताकि वो कैप्सूल थोड़ा लूज हो जाए, या आर्थ्रोस्कोपी यानी कि एक कैमरा डाल करके उस कैप्सूल को छोटे छोटे कट्स मार करके उसको थोड़ा फैलाने की या उसकी टाइटनेस को कम करने की कोशिश करते हैं। तो उन सब का ऑल्टरनेटिव है ये हाइड्रोडिस्टेंशन, जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, सिर्फ हम एक सुई की मदद से वहाँ पे पानी डाल करके उस कैप्सूल को थोड़ा लूज करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही ये हो जाता है प्रोसीजर, उसके बाद हम फिजियोथेरेपी करके इसकी मोबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये जो करने का मकसद है वो ये है कि आपका मूवमेंट बेहतर हो और दर्द कम हो। और अगर आप इसको फिजियोथेरेपी के साथ कंबाइन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सिचुएशन वापस वहीं जा सकती है जहाँ पे वो पहले थी। तो ज़रूरी है कि ये जो सारी ट्रीटमेंट्स हैं इनको एक कॉम्बिनेशन की तरह माना जाए, मतलब कि ये सारी जो ऑप्शन हैं ये एक ट्रीटमेंट का, पूरी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। उसमें दवाइयाँ भी हैं, उसमें आपका फिजियोथेरेपी भी है, उसमें आपके इंजेक्शन भी है। इन तीनों को साथ में मिला करके चलेंगे तभी जो उसका जो बीमारी का या जो प्रॉब्लम का जो लंबा कोर्स है, यानी कि वो जो लंबी ड्यूरेशन तक रह सकती है, उसको हम कम कर पाएंगे। तो ये बहुत मतलब ये जो हाइड्रोडिस्टेंशन का ऑप्शन है, जो साथ में फिजियोथेरेपी का ऑप्शन है, साथ में इंजेक्शन का ऑप्शन है, इन तीनों को कंबाइन करने से रिसर्च ने बताया है कि बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। और उसके बाद भी समय लग सकता है, तो आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसी के साथ आप सब लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।